मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एवरीवन, मैं प्रमोद कुमार आप लोगों के लिए क्लास 10 एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू गॉड रिटन बाय जीएल फॉर्म्स के बारे में जो मतलब मेन कैरेक्टर है सेंट्रल कैरेक्टर लेचो उसका कैरेक्टर स्केच लाया हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे बहुत लाइक करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे है ना। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कीजिएगा। अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जीएल फॉन्ट्स एंड ही वांटेड टू डिस्क्राइब ही वांटेड टू शो अस द सिचुएशन क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ पुअर फार्मर लेचो। उन्होंने एक गरीब किसान जो हम आज देखते हैं किसानों की स्थिति बहुत खराब होती है कोई कहां कोई फांसी लगाकर मर जा रहे हैं कोई आत्महत्या कर ले रहे हैं वो किसानों की जो दुर्दशा है जो सिचुएशंस है उसके बारे में जीएल फॉन्ट्स ने बहुत अच्छी तरीके से अलर्टेड टू गॉड में दर्शाने की कोशिश की है। जीएल फॉन्ट्स एक अमेरिकन राइटर है जिन्होंने अलर्टेड टू गॉड को बहुत अच्छी तरह से दर्शाने पेंट किया है। यहाँ जो सेंट्रल कैरेक्टर है लेचो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है पुअर फार्मर है और इनोसेंट भी है एकदम निर्दोष है अपने कामों के लिए है ना। और ही इज द ओनली अर्नर ब्रेड अर्नर इज द ओनली ब्रेड अर्नर इकलौता कमाने वाला अपने परिवार का है सारे फैमिली जो है इस पर डिपेंड करते हैं। लेचो जो है एक स्मॉल हाउस में रहता है जो वैली में सिचुएटेड है। इन्होंने बहुत सारा क्रॉप्स लगा कर रखा था जो अब कुछ दिनों के बाद उसको हार्वेस्ट करना था काटना था लेकिन उसके पहले कुछ बारिश की जरूरत थी। वो गॉड से प्रे करता था कि गॉड प्लीज बारिश दीजिए। बारिश हो रहा था तो जब बारिश की बूंदे जब उसके शरीर पे पड़ा तो बहुत झूमने लगा सभी फैमिली मेंबर जो है बाहर में आकर नाचने लगे खुशी से ढोल ताशा बजाने लगे और वो जो है जो ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स गिरा उसको उन्होंने सिल्वर क्वाइन से क्या किया कंपेयर किया। सिल्वर क्वाइन से इसलिए कंपेयर किया कि वो बहुत ही स्थिति खराब था और उसके लिए पानी की बूंदें सिल्वर से कम नहीं थी लेकिन बारिश इतना होता है कि सारा फसल खत्म हो जाता है बर्बाद होता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसके अपने बच्चों को फीड करने के लिए सरवाइव करने के लिए कोई सहारा नहीं होता। अंततः वो क्या करता भगवान को पत्र लिखता है मदद करने के लिए हंड्रेड फ्रैंक्स के लिए वो क्या करता है मदद मांगता है। तो हम लोग देखते हैं लेचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी रिलेटेड टू गॉड। लेचो जो है इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है he is a poor farmer who is the sole bread earner of the family. he is a poor farmer wo kaisa hai garib kisan hai who is the sole bread earner of the family jo iklauta kamane wala hai apne parivar ka. he had firm faith use bahut pakka vishwas hai in god bhagwan pe. lecho live in a small house lecho kahan rehta hai chote se ghar mein rehta hai which was situated जो कहां स्थित है ऑन द क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट मतलब किनारे ऊपर में ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉन्ग हिल इन द वैली एक हिल पर क्या है पहाड़ों पर उठता है स्ट्रेट थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से लेकर लेचो सैड इन द हाउस वो घर पे बैठा हुआ था एंड वेटेड फॉर द रेन और वो बारिश का इंतजार कर रहा था। द सावर फॉर हिज फील्ड इन व्हिच ही हैड ग्रोन हिज क्रॉप्स वो बारिश की बूंदों के लिए वो इंतजार कर रहा था जो है ना किस लिए क्योंकि जो खेतों में जो फसल लगे हुए थे वो मर रहे थे। लेचो रोड द लेटर टू गॉड सेड हिम 100 पेसेस जब वो फसल मर जाती है तो वो क्या करता है बेसहारा बेहेल्पलेस हो जाता है
है ना, तो वो क्या करता है भगवान को लास्ट पत्र लिखता है 100 पैसे के लिए, सो दैट ही एंड हिज फैमिली कैन सरवाइव इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना, ही एंड हिज फैमिली, है ना, वो और उसके परिवार इस डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या करे, जी सके। तो बाद में क्या होता है, वो पत्र जो है वो पोस्टमैन को मिलता है, किसको मिलता है, पोस्टमैन को, और पोस्टमैन को जो पत्र मिलता है तो पोस्टमैन जो है पढ़कर, है ना, बहुत ही अच्छा फील करता है कि आज की दुनिया में भी लोग जो है परमेश्वर पे, ईश्वर पे इतना विश्वास करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के, कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, हंसते हैं, इस पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पोस्टमैन मजाक नहीं उड़ाता है। पोस्टमैन जो होता है पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्टमैन तो शुरू में मजाक उड़ाता है, लेकिन पोस्ट मास्टर मजाक नहीं उड़ाता है। फिर ये लोग सारे लोग क्या होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे को जमा करते हैं, अपने सैलरी से कट करके जमा करते हैं, और क्या करते हैं, लेंचो के नाम पर क्या करते हैं, भेज देते हैं। लेकिन इनको सिर्फ 70 पैसे ही वो जमा कर पाते हैं, 70 to 75 पैसे ही जमा कर पाते हैं और उनको भेज देते। जैसे ही लेंचो इसको पाता है तो बहुत खुश होता है उस पैसे को देखकर, लेकिन जब वो काउंट करता है तो पैसे उसमें कम होते हैं, और पैसे कम होने के चलते वो जो है उसके मन में बहुत गलत ख्याल आता है पोस्ट ऑफिस से एम्प्लॉय के प्रति, और वो एम्प्लॉय को बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स, और गॉड से परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर आप मेरे बाकी जो पैसे हैं वो भी भेज दीजिए, क्योंकि मेरा इतना भी कुछ होने वाला नहीं है, हमको अगली फसल खरीद कर फिर से लगाना है, मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन अब की बार जो आप पैसा भेजेंगे, ये लोग पोस्टमैन के, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि वो हमारे पैसे रख लेते हैं, वो लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और फिर वो पत्र लिखता है, और ये फिर पत्र उसको मिलता है, तो हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हों तो बुरा भी लगता हो, लेकिन यहाँ पर राइटर जो है बताना चाहते हैं इससे हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, कि एनवायरनमेंट के बारे में ही बताना चाहते हैं, हमारे आसपास के सिचुएशंस हैं, जो लोग जो है अभी कितने बदल गए हैं, हम कभी किसी पर ये नहीं कह सकते हैं कि वो बुरा है या गलत है ना, कि हम किसी, आजकल जो लोग जो है एकदम अजीब टाइप के हो गए हैं, हम लोग गलत सही को पहचानने में भी क्या करते हैं आजकल बड़ा, यहाँ तो देखने में ये राइटर बताना चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली ये बोल नहीं सकते कि वो बुरे लोग हैं, जब बिना समझे या बुझे, है ना, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन आज का डेट में, जो हमारा जो मॉडर्न एज है, हमारा एक माइंड सेट है, और उस माइंड सेट के प्रति उन्होंने जीएल फिल्म्स ने उन्होंने हाईलाइट करने चाहा कि हमारे जो अंदर माइंड सेट है वो हमेशा जो होते हैं वो सही नहीं हो सकते, उसमें गलत भी हो सकते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, ये आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। तो ये लेंचो का आस्था ही जो था उसके चलते, इस आस्था को मानते ही पोस्ट मास्टर ने पैसा भेजा, कि उसका आस्था, उसका विश्वास खत्म नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।